हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वेलकम टू ऑल अवर ऑनलाइन क्लासेस। सो अगर अभी तक आपने हमारे क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको जीके के कुछ पोर्शन कवर कराने जा रहे हैं जो कि BHU में वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे हमने एक साइड ऑथर्स के और उनके इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में। फर्स्ट है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव का पूरा नाम है पामुलावर्थी वेंकट नरसिम्हा राव। ये भारतीय वकील और एक राजनेता थे जिन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इनकी जो बुक है वो है द इनसाइडर। नेक्स्ट है अरुण शौरी। ये इंडियन इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट और ऑथर है, साथ ही साथ ये वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। इनका बुक जो है वो है इंडियन कंट्रोवर्सीज एसे ऑन रिलीजन। नेक्स्ट हैं गीता मेहता। इंडियन राइटर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। इनकी जो बुक है वो है अ रिवर सूत्रा। आपको बता दें कि इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। आप इनके बारे में अच्छे से जानते होंगे। इनका पूरा नाम है मदर मैरी टेरेसा बुजैत्सू। ये भारत में इन्होंने अपना लाइफ का मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया था। ये सोशल वर्क करती थी यहाँ पे। इनका जो बुक है वो है डाउन द मेमोरी लेन। नेक्स्ट है MF हुसैन। इनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। ये भारतीय महान कलाकारों, मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है। इनका जो बुक है वो है संसद उपनिषद। नेक्स्ट है सलमान रुश्दी। सर अहमद सलमान रुश्दी इनका पूरा नाम है। ये एक इंडियन ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है। इनका जो बुक है वो है द सटैनिक वर्सेस द गोल्डन हाउस द मिडनाइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट है लाल कृष्णा आडवाणी। इनका जो बुक है वो है माय कंट्री माय लाइफ। इन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। आप इसे नोट कर लीजिए, हम आगे आपको और भी ऑथर्स और बुक्स के नाम बताते हैं। नेक्स्ट है कपिल देव रामलाल निखंज। इनका पूरा नाम है कपिल देव रामलाल निखंज। आप इनके बारे में जानते होंगे। ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं और साथ ही साथ ये एक फास्ट बॉलर भी रह चुके हैं। इनका जो बुक है वो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट है रोमिला थापर। ये एक इतिहासकार हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ अ हिस्ट्री। नेक्स्ट है ए पी जे अब्दुल कलाम। जी का पूरा नाम है अवुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। ये हमारे 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके थे और इनकी जो बुक है वो है इग्नाइटेड माइंड। नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन। ये इंडियन जेनेटिक्स थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनका जो बुक है वो है टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने भारतीय पॉलिटिशियन के रूप में 3 साल प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है, देश की सेवा की है। इनका जो बुक है वो है राजनीति की रपटीली राहें संसद के 3 दशक। नेक्स्ट है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। आप सभी इन्हें जानते होंगे। ये एक फेमस कवि थे और इनकी जो बुक है वो है मधुशाला।
नेक्स्ट है तुषार गांधी। तुषार गांधी ये एक जर्नलिस्ट हैं साथ और ये ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी के हैं। और इनकी जो बुक है वो है लेट्स किल गांधी। नेक्स्ट है हमारे चेतन भगत। चेतन भगत ये प्रसिद्ध यानी कि फेमस कवि हैं, आई मीन नॉवेलिस्ट हैं। इनकी जो बुक है वो है हाफ गर्लफ्रेंड वन इंडियन गर्ल व्हाट यंग इंडिया वांट्स। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।